एवरीवन, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर का, बिल्कुल सही सुना आपने, किसी भी नंबर का स्केयर निकालना है तो वो विद इन सेकेंड्स हम कैसे निकालें। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कई ट्रिक्स बताई हैं जिसमें अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसकी ट्रिक क्या रहेगी, कोई नंबर अगर 40 से 50 के बीच में है तो उसकी ट्रिक क्या रहेगी, 50 से 60 के बीच नंबर वालों की ट्रिक मैंने जो है आपको बता रखी है, लेकिन वो आप अलग अलग याद रखें तो मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ट्रिक कहाँ पर जो है यूज होने वाली है। तो इसीलिए सभी नंबर्स के लिए मैं एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए आपको करना क्या है, बिल्कुल आपको दो स्टेप करने हैं यहाँ पर। कितने स्टेप? सिर्फ दो स्टेप। क्या मान लो आपके पास कोई नंबर है 36, हम क्या मान सकते हैं 36, मुझे इसका क्या निकालना है, स्केयर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर का स्केयर लिखना होगा। 3 का स्केयर क्या होता है भाई 9, और 6 का स्केयर क्या होता है 36। क्या मैं 9 को 09 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, 2-2 डिजिट के पेयर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा क्या रहेगा 18, और 18 2 जा क्या रहेगा आपका 36। तो एक प्लेस छोड़ के उससे पहले लिख दो, क्या लिख दोगे 36। अब इनको ऐड कर दो बस, क्या 6, ये क्या आएगा 9, और ये क्या आएगा 12। तो ये आपका क्या स्केयर आ गया 36 का। देखिए कितना सिंपल था। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है किसका स्केयर 84 का, भाई कोई भी नंबर आपका यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो क्या रहेगा भाई 8 का स्केयर आपका होता है 64, 4 का स्केयर क्या होता है 16। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि इन तीनों नंबर्स को क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32, और 32 2 जा क्या रहेगा 64। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आएगा 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, और ये क्या आ जाएगा तो 7, तो 7 0 5 6। तो देखिए कितना सिंपल था। ऐसे ही आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं, लाइक अगर मैं 92 यहां पर लूं, तो 92 का अगर मुझे स्केयर करना है तो मैंने क्या कहा, दोनों नंबर का स्केयर लिख लो। 9 का स्केयर क्या होता है 81, और 2 का स्केयर क्या होता है 4। मैंने क्या कहा, पेयर में हमें लिखना है, पेयर में अगर लिखना है तो 4 को क्या मैं 04 लिख सकता हूं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। उसके बाद इन तीनों को गुना करना है, तो 9 2 जा क्या रहेगा 18, और 18 2 जा क्या रहेगा 36। अब इनको ऐड कर दो, क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 6, अगेन 4, और ये क्या आ गया 8। तो ये आपका इस नंबर का क्या स्केयर आ चुका है। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं, लाइक मेरे पास अगर एक नंबर है 56, मुझे इसका स्केयर निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या, इन नंबर्स का क्या स्केयर लिख लो। 5 का स्केयर 25, एंड 6 का स्केयर क्या रहेगा आपका 36। फिर क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 5 6 जा 30, 32 जा क्या रहेगा 60 रहेगा, तो 60 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6 3, ये क्या आ गया 11, और ये क्या आ गया 3। तो 3 1 3 6 आपका 56 का स्केयर रहने वाला है। तो देखिए कितना सिंपल है, आप किसी भी 2-डिजिट नंबर का स्केयर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि 89 का स्केयर क्या रहेगा, और आपका एक नंबर और मैं दे देता हूं यहां पर, क्या 68 का स्केयर। आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है और 89 का स्केयर और 68 का स्केयर जो है बताना है कि इनकी वैल्यू क्या रहेगी। कमेंट में आपका चेक करने वाला हूं, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं सही आंसर दे पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही ट्रिक्स और वीडियोज़ के लिए, मैथ्स के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कंटेंट जो है ज़्यादा अपलोड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।